मारवाड़ी समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाया हरियाली तीज का त्योहार। तेघड़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेघड़ा बेगूसराय, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को विवाह का वरदान दिया था। मारवाड़ी समाज में हरियाली तीज का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देश में सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत के अनुसार अलग अलग तीज त्योहार मनाने का चलन रहा है। इस बार 7 अगस्त बुधवार को अखिल भारतीय मारवाड़ी शाखा सम्मेलन तेघड़ा एवं मारवाड़ी महिला मंडल की ओर से हरियाली तीज का उत्सव मनाया गया। तीज उत्सव का उद्घाटन सावित्री देवी मारवाड़ी बालिका उच्च विद्यालय की अध्यक्षा नीलम अग्रवाल एवं अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की अध्यक्षा सुकून केजरीवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करते हुए केक काट कर किया। उद्घाटन के मौके पर नीलम अग्रवाल एवं सुकून केजरीवाल ने बताया गया कि तीज मारवाड़ी समाज का सबसे बड़ा पर्व है। इस त्योहार पर सभी सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, हाथों में मेहंदी रचाती है, वो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन के साथ झूले का आनंद लेती हैं। ससे पर्व में अनेक प्रकार के घर की साज सज्जा प्रसाधन सामग्री के साथ ही महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत और सावन के मल्हार पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतियां दी। सुबह से ही आयोजन स्थल पर उत्सवी माहौल रहा। इस मौके पर तीनों देवियों की विशेष पूजा, महामंगल पाठ, अलौकिक श्रृंगार के साथ ही रानी सती दीदी का मनमोहक श्रृंगार किया। साथ ही सावन के अवसर पर झूलन उत्सव भी मनाया गया। आओ दीदी गाओ तेजारे त्योहारा, झूलो झूलो महारी रानी, मेहंदी हाथ में राचे पर चुनरिया साजे आदि भक्ति गीतों पर सभी महिलाएं खूब झूमी। मारवाड़ी समाज के प्रमुख व्यावसायिक संघ के सचिव सह पूर्व उप मुख्य पार्षद सुरेश रोशन ने बताया कि सावन के बीच हर किसी को इस पर्व का इंतजार रहता है। सावन आते ही मारवाड़ी समाज में विवाहित बेटियों को उनकी ससुराल में मिठाई सहित कपड़े देने की परंपरा सालों पुरानी है। समाज के लोग अपनी बेटियों को अनेक तरह के उपहार भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन नए कपड़े पहने जाते हैं और घर की महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती है। हरियाली तीज के दिन भाई अपनी बहनों के घर मिठाई और उपहार लेकर भी जाते हैं। समाज के अन्य लोगों ने बताया कि मारवाड़ी समाज के लोग सिंधारा को बरकरार रखे हुए हैं। ये प्रथा अभी भी जारी है। सिंधारा देने की यह प्रथा मारवाड़ी समाज की पहचान का प्रमुख आधार बनी हुई है। इस मौके पर नीलम अग्रवाल, सुकून केजरीवाल, राखी अग्रवाल, रश्मि कलोठिया, कविता केरिया, संतोष अग्रवाल, राधा मुनमुन एवं शीतल के अलावे मारवाड़ी समाज की अन्य महिलाएं उत्सव में शामिल हुए।